नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तशाला श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन FFOI और यश इंटरप्राइजेस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। FFOI के अध्यक्ष व शिविर संयोजक आदर्श शर्मा ने बताया कि समाज सेवी पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित की स्मृति में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राजपुरोहित की 16वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। उत्तम राजपुरोहित ने बताया कि इस दौरान रक्तदाता व अन्य लोगों को भीषण गर्मी के चलते पक्षियों के बचाव के लिए परिंडे भी भेंट किए गए हैं। इस अवसर पर सूरसागर विधायक दवेंद्र जोशी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, बाल बसेरा से दिनेश जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश पुरोहित, जगत नारायण जोशी, वरिष्ठ महेंद्र मेघवाल के साथ चिकित्सक डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, डॉक्टर सीमा शर्मा व अन्य मौजूद रहे। ये आज कैंप पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित की 16वीं पुण्यतिथि पे आयोजित किया गया है। पुष्पेंद्र सिंह मेरा भतीजा, आज उसकी याद में ये कैंप रखा गया और मैं भी आज डोनेशन देने के लिए आया हूँ। मैंने आज 46वीं बार डोनेशन दिया है। 80 से मैंने रक्तदान करने का संकल्प लिया था, तब से लगातार मैं रक्तदान करता आ रहा हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को संदेश देना ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सके रक्तदान करो। साल में 4 बार रक्तदान करो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप फ्रिक्वेंटली डोनेशन दो और लोगों की जान बचाओ। जिसको खून की जरूरत पड़ती है ना, ब्लड की कमी हो जाती है बैंकों में वगैरह, लोग बगैर ब्लड के मर जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन अगर किसी को बुला जाए तो उसके लिए भी आप व्यवस्था करते हो? बिल्कुल सर, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ और बोला हुआ है कि आप जब भी जरूरत पड़े आप मेरे को कॉल करो। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? इमरजेंसी हुआ? आपका परिचय? जय नाम है मेरा, मैं मथुरादास मातृ हॉस्पिटल में सर्विस करता था, नेफ्रोलॉजी में सीनियर TA था और वहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ पिछले साल।